पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत गंभीर बनी हुई है। बुधवार देर रात अजीत जोगी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें एक बार फिर से कार्डियक अरेस्ट हुआ। उनकी हार्ट रेट और पल्स रेट में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। स्थिति फिलहाल हालात नियंत्रण में है लेकिन अब खतरे से बाहर नहीं है। तबीयत अभी काफी जो हीमोडायनेमिकली है वो काफी अस्थिर हो गया है। अभी अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया था, फिर उनको रिवाइव तो हो गए हैं लेकिन जो हार्ट रेट है वो बहुत इरेगुलर चल रहा है। बीपी भी अप एंड डाउन हो रहा है। तो कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर पंकज उमर और डॉक्टर अमित साठी पूरे सब लोग यहाँ पर भिड़े हुए हैं स्थिति को संभालने के लिए। तो उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से सत्य राजपूत लाइव जुड़ गए हैं। सत्य, आपसे जानना चाहेंगे अजीत जोगी की अभी हालत कैसी है। लगातार दिन पर दिन बीमारी उनकी बढ़ती जा रही है। एक बार फिर कल रात को कार्डियक अरेस्ट उन्हें आया। डॉक्टर्स का क्या कहना है फिलहाल और कैसी उनकी हालत है? जी बिल्कुल सीएम, 20 दिन के बाद भी अपेक्षा अनुरूप कोई सुधार नहीं हुए हैं। वेंटिलेटर से अब भी सांसें दी जा रही है और बीते रात की बात करें तो वहाँ स्थिति और बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने जैसे तैसे उसमें अभी ही नियंत्रण पाने की कोशिश की है लेकिन ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुनील खेमका जी हैं जो लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, पल पल की खबर अपडेट ले रहे हैं। तो सर, रात में जोगी जी की तबीयत बिगड़ गई थी, अभी क्या स्थिति है? जी, रात में जोगी जी की तबीयत बिगड़ गई थी। करीब 11 बजे कार्डियक अरेस्ट हो गया था। उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से काफ़ी टाइम बाद वो रिवाइव हुए हैं। उस समय बीपी भी डाउन हो गया था और अभी बीपी भी काफ़ी अच्छा आ गया है और मेंटेन हो रहा है। किडनी वगैरह काम कर रही है, यूरिन आउटपुट ठीक आ रहा है। अभी स्थिति काफ़ी संभली है रात से, पर अभी नाजुक तो बहुत है। और रही बात ब्रेन की, तो वो उसमें कोई ऐसा खास इम्प्रूवमेंट वाली बात नहीं है। जैसे लगभग पहले थे वैसी ही है। थोड़ा सा ब्रेन स्टेम लाइव है, उसका साइन है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके होश आए और कुछ इम्प्रूवमेंट आए। 20 दिन से लगातार आप लोग इलाज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है खाने पीने, उनको एनर्जी की ज़रूरत है, तो किस तरह से आप उनको डाइट दे रहे हैं? उनको आईवी फ्लूइड, आईवी प्रोटीन और साथ में रॉयल ट्यूब्स से भी फिटिंग चालू कर दी हैं। अब जो है उनको लिक्विड डाइट पर भी रखे। अभी क्या स्थिति है जोगी जी का और आगे सुधार की कितनी गुंजाइश है? अभी तो हालत बहुत नाजुक है और रही गुंजाइश की बात, तो इलाज जारी है, बाकी अब दुआओं की जरूरत है। लगातार आप कई राज्यों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से बातचीत की, क्या राय रहा उनका, किस तरह से उनका बात बताया, कैसे इलाज करना है? सब लोगों से डिस्कशन हुआ है और उन लोगों की गाइडलाइन को भी फॉलो करते हुए जो दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इस बीमारी के लिए वो सब फॉलो किया जा रहा है। कौन से राज्य के थे विशेषज्ञ? सिंगापुर के भी न्यूरो सर्जन शर्मा जी से बात, न्यूरो फिजिशियन से बात हुई थी। हैदराबाद के भी न्यूरो फिजिशियन लोग से इस संदर्भ में बात हुई थी। तो वो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सेम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है और वो सब फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है, उसके हिसाब से सब चल रहा है। मतलब यहाँ के जो इलाज चल रहे हैं उनको संतुष्ट नजर आया और इस इलाज को कंटिन्यू करने के लिए कहा या बदलने के लिए कुछ आदेश दिए? वही इलाज को ऑलमोस्ट सेम, मोर और लेस सेम ही रहता है। वही इलाज कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है। तो हम अभी आगे की बात करें तो ठीक होने की क्या उम्मीद लग रहा है? अभी जितना भी प्रयास किया जा रहा है वो सब उनको ठीक करने के लिए ही किया जा रहा है। थोड़ी तो आस है ही कि शायद हार्ट जैसे रिवाइव हुआ है वैसे ब्रेन भी रिवाइव हो जाए, उसी आज के साथ ट्रीटमेंट जारी। जैसे मस्तिष्क की बात करें तो बीच में थोड़ा सा उसमें बदलाव दिखा था, थोड़ा सा सुधार की बात कही जा रही थी लेकिन अभी क्या स्थिति है? आपने कई थेरेपी इस्तेमाल किए जैसे कि आइडियो थेरेपी हो गया, पैराबैग्नी से हो गया। जो शुरू में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया था वही इम्प्रूवमेंट अभी भी है, उसके बाद और उसमें अभी सुधार नहीं हुआ।
बिल्कुल शिवम, अभी आप डॉक्टर को सुने जिनका साफ कहना है कि स्थिति अभी वैसे ही है, बीच में जो सुधार हुआ था वो सुधार वही है, लेकिन अब भी हालत गंभीर बनी हुई है। और उनका साफ कहना है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता था वो दिया जा रहा है, लेकिन अभी दुआओं की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्या तमाम सारी जानकारी को साझा करने के। फिलहाल एक छोटे से वक्त का ब्रेक का वक्त हो